अल्टीमेट व्यू है। पीछे का नज़ारा देखो ना यार, क्या ही ज़बरदस्त है, क्या ही कमाल का नज़ारा, बहुत ही प्यारा यार। और ऐसे नज़ारों को देखने के लिए ना होटलों की जो छत है ना उसके ऊपर तक पार्किंग है भाई साहब। यहाँ पे तो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, उन पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है भाई, वो ना अलग ही कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। फाइनली हम लोग आ चुके हैं दलाय हिल्स यानी कि बुद्धा टेम्पल की तरफ। और अभी थोड़ा सा इस सेटअप को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि भाई बाल वगैरह ज़्यादा ख़राब हैं। और यहाँ से दोबारा से एक बार फिर से दलाय हिल्स का सफ़र, जो कि सो एक बार फिर से दलाय हिल पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है तेरे को? है भाई दोबारा से दलाय हिल पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है, मतलब एक बार फिर से? बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि वो पीक दिख रही है, बस ये नया है, ये थोड़ा सा नया है। हाँ साहब, क्या ही सुंदर नज़ारा है, क्या ही कमाल का। और एक बार सामने देखो, इसको एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ गाइस, सामने जो बर्फ़ पड़ी हुई है ना वो बहुत ही अल्टीमेट है। सो ये सामने देख पा रहे होंगे आप, ये सारा जो है यहाँ पे स्नोफॉल हुई हुई है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का नज़ारा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर ना लाइट जला दी हो पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल। और इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये वाला व्यू भाई, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। सो अभी अपने को जाना है वहाँ नीचे की साइड, तो वहाँ पे समर चला गया है तो आपको दिख रहा होगा ये। अभी हम लोगों को वहाँ पे जाना है और बस चल रहे हैं सीधे नीचे, फिर उसके बाद वहीं पे ही करते हैं भाई आराम थोड़ा सा, फिर उसके बाद। Oh, 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 oh,
राम राम से बहुत ही प्यार से। Everything that you wanna say, we can say for another day. Cause I just can't get enough. सो देखो भाई क्या बात है कि मोटो व्लॉगिंग करने का एक एडवांटेज तो यह है कि आप ना कुछ ऐसे ऐसे स्पॉट्स पे जा सकते हो, और डिसएडवांटेज क्या है क्योंकि अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ हुडी में, और इसमें क्या होता है हेलमेट पहन के रखना पड़ता है ना, तो हेलमेट की वजह से ना बालों की ऐसी की तैसी हो जाती है यार, और फिर बालों की ऐसी तैसी हो जाती है। तो हम लोग भैया देखो कैमरा रेडी के लिए तो हो नहीं सकते, लेकिन यह है कि आपके लिए ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। और भाई क्या ही अल्टीमेट व्यू है, तो आप पीछे का नज़ारा देखो ना यार, क्या ही ज़बरदस्त है, क्या ही कमाल का नज़ारा, बहुत ही प्यारा यार। और ऐसे नज़ारों को देखने के लिए ना सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है अगर चैनल के ऊपर नए हो तो, और बाकी अपना जो पुरानी यूट्यूब फैमिली जो है उसको लाइक करना है बस, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में शेयर करना है भाई ऐसी ही कमाल की वीडियोस के लिए और कमाल के ब्लॉग्स के लिए। और इधर जो सामने खड़ा हुआ है ये मेरा भाई, जो कि पूरे ही मज़े लेता हुआ, और मतलब एक तरीके से ये मानो कि यार बहुत ही कमाल की जगह है। अच्छा मसूरी में ना जितनी बार आओ ना उतनी बार हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है, एक नई ही चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलती है भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल की। और कुछ रास्ते वगैरह तो ऐसे हैं ना कि बस आप पूछो ही मत। तो एक बार 360 व्यू का मज़ा लो। ये देखो यार क्या ही ज़बरदस्त है, और ये लौंडा और सामने जो स्टैचू ऑफ बुद्धा जो है उनकी। और भाई यार ये जो व्यू है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट व्यू है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट व्यू, मतलब इसका तो देखो कोई भी तोड़ नहीं है यार। सामने की साइड आपको वो दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट, एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की, तो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जॉर्ज एवरेस्ट जो कि दो पॉइंट दो पीक वगैरह है ना, ये वो है। और जॉर्ज एवरेस्ट जाने का तो कोई ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जाके भी करना क्या है क्योंकि हम कई बार ना जा चुके हैं। और ये जो ये कमाल की जो ब्यूटी है ना गाइस, इस ब्यूटी का ही मज़ा अलग है, ट्रैकिंग प्लस और एक कमाल का एडवेंचर। तो अभी थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर एक आध एक दो पॉइंट्स अगर और हुए तो उसको करेंगे कंप्लीट, और बाकी भाई बहुत ही ज़बरदस्त। तो भाई बहुत ही प्यारा, मतलब एक व्यू को इंजॉय करने के बाद ना अब हम लोग जा रहे हैं सीधे अपनी बाइक की तरफ। और हाइट ना अच्छी खासी हाइट है ये वाली, जो जिस जगह पे अभी हम हैं, तो ये है बुद्धा टेंपल। और जैसे कि पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, और भाई लिटरली मैं सही बताऊँ ना, कुछ मसूरी में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं यार। तो एक बार नीचे की हाइट देखो आप, ये कुछ अभी हमें को नीचे जाना है इधर की साइड, तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ की साइड अपने को जाना है अभी, जहाँ पे अपनी बाइकें खड़ी हुई हैं,
तो चलो अभी चल रहे हैं सीधे बाइक पे, ठीक है, फिर करेंगे सीधी मोटो व्लॉगिंग की बात है, क्योंकि पहाड़ों पे ना मोटो व्लॉगिंग अभी मैंने वीडियो ज़्यादातर शूट करी नहीं है, तो करेंगे अब एक बढ़िया सी मोटो व्लॉगिंग और वहीं पे करेंगे सारी बातें। तो तो जी चल रहे हैं अब यहाँ से हम लोग अपना दिलाई हिल्स को, बाइक आने का टाइम आ गया है, ग्लव्स वगैरह अपने पहन लिए हैं और अब बारी है केटीएम को, वो भी हिल्स पे चलाने का। जो मज़ा है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा अलग है। हाँ, क्या बात है। ही बात है यार, मतलब एक ना अलग ही तरीके का फील है भाई इस बाइक में, बहुत अलग तरीके का फील। मतलब आप यार ये मानो कि इतना ज़बरदस्त इसका रिस्पांस है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस है यार। मतलब बाइक ने इतना सा भी, मतलब कोई भी ऐसा लोड नहीं लिया है, कोई भी मतलब ज़रा सा भी लैक ऑफ पावर की कमी इसमें नहीं लगी है गाइस। सिर्फ पर्पस ये था कि अपनी आरसी को ना हिल्स वगैरह पे चलाना है और एक सही बढ़िया सी राइड हो जाती है ना, तो सिर्फ ये ही था। बाकी लगाएंगे फिर इससे अपनी एक लंबी राइड आने वाले टाइम में, क्योंकि यार गर्मी में ना, ओ मतलब ठंड में ना यार, ठंड में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है यार। एक तो हाथों पे सुबह के टाइम में ना इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड यार, सीधा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या ही सुंदर प्रॉपर्टी है यार, बहुत ही मतलब बिल्कुल जैसा फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। स्पोर्ट्स बाइक का भी ना एक अपना ही अलग मज़ा आएगा इस, बहुत ज़्यादा यार। मतलब टूरिंग बाइक का देखो एक अलग मज़ा है और स्पोर्ट्स बाइक का तो और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा अलग मज़ा है। मतलब क्या ही यार कमाल का मतलब एक राइडिंग पोस्चर है ना भाई, इस गाड़ी ने ना दिल लूट लिया यार, सीरियसली मैन। मतलब जिस तरीके से लगा था ना कि ये बाइक जो है अनकंफर्टेबल फील करा देगी या फिर बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो जाएगी, आई लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी देर से हम बाइक चला रहे हैं ना, तो कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही इससे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। इधर की साइड की रोड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब अभी तक ना कोई भी ऐसी रोड मेरे को दिखी नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो, और जबकि ये सिटी के अंदर की है, जैसे कि शहर होता है ना, तो शहर के अंदर की ही कंडीशन है ये यार, इतनी ज़्यादा गंदी है। मतलब नीचे जब शुरू में अगर मसूरी से 4-5 किलोमीटर अगर नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो रोड की कंडीशन कुछ अच्छी है, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी है यार। सो जो ये जगह, जिस जगह पे हम गए थे, ये मसूरी से कम 1.5 किलोमीटर समथिंग ये पड़ता है दलाई हिल्स, और 2-3 पॉइंट्स और हैं वहाँ पे, एक मेरे ख्याल से इको गार्डन है शायद, पता नहीं क्या है, कंपनी गार्डन मे भी शायद कंपनी गार्डन है, तो एक वो जगह है भाई, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और ये तो देखो सबसे बेस्ट प्लेस है, और अगर आपको ट्रैकिंग करनी है प्लस अगर आपको चिल करना है ना, तो सबसे बढ़िया जगह है कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे कम से कम 2 या 3 घंटे रखो। और सबसे मेन चीज़ पता क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप सनसेट होता हुआ देख सकते हो गाइस,
ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे। एक बार व्यू चेक मारो गाइस, क्या ही प्यारा सुंदर व्यू है यार। तो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, उन पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है भाई, वो ना अलग ही कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। एक बार ये देखो, अलग ही यार, अलग ही ब्यूटी है ये। होटलों की जो छत है ना, उसके ऊपर तक पार्किंग है भाई साहब यहाँ पे। और आप ये मान लीजिए कि एक गाड़ी पता नहीं कितने किलो की होगी भाई साहब। सबसे मेन बात तो यही है कि कितने किलो की एक गाड़ी होगी। कम से कम ये मान लो 100-150 किलो, 150 किलो तक की तो होगी शायद, नहीं ज़्यादा ही होगी यार। इतने किलो की गाड़ी होने के बाद और इतनी सारी है गाड़ी भाई, इतना वेट झेल लेती है ना इनकी जो बिल्डिंग की जो छत वगैरह है ना भाई। सो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं मसूरी मॉल रोड, और हम स्पेशली जब भी रूम वगैरह लिया करते थे तो इधर की साइड जाके लिया करते थे, और इधर से अपना मॉल रोड आ जाता है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अपने को निकलना है। और अभी जहाँ जहाँ रुकेंगे ना, जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ पे आपसे डिस्कशन होते रहेंगे, बात होती रहेगी गाइज़।